गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिक्स यूनिट दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म थर्मोडायनेमिक? थर्मो इज रिलेटेड विद द हीट, सो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम इज नोन एज थर्मोडायनेमिक। ठीक है, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को स्टडी करेंगे एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज नेम्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक? थर्मोडायनेमिक बेसिकली हेल्प अस टू प्रिडिक्ट वेदर एनी केमिकल रिएक्शन कैन फिजिबल अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। ठीक है, और नाउ इट हेल्प्स अस इन प्रिडिक्टिंग कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है तो उस टाइम पे कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। नाउ द थर्ड मेन इम्पोर्टेंस, इट हेल्प टू डिड्यूस सम इम्पोर्टेंट लॉज लाइक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एटसेट्रा। एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक? थर्मोडायनेमिक हेल्प टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस बट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रेट एट विच द प्रोसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ने हमें ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, बट किस रेट से रिएक्शन प्रोसीड करेगी उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। इट डील्स ओनली विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम बट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस। अब जो प्रोसेस प्रोसीड कर रही है उसका इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, थर्मोडायनेमिक से हमें ये तो पता चलता है, बट प्रोसेस किस पाथ के थ्रू प्रोसीड हुई वो पाथ हमें एक्सप्लेन नहीं करता। इट डील विद द प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। टेम्परेचर प्रेशर मीन्स जो मैटर की बल्क में प्रॉपर्टी है, जो हम एक सिंगल मेटल को कैलकुलेट नहीं कर सकते। लाइक अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, मेल्टिंग पॉइंट, तो हम एक सिंगल मॉलिक्यूल का बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट नहीं करेंगे। दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बल्क, और वी कैन से दैट जो थर्मोडायनेमिक है डील्स ओनली विद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, नॉट विद द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल, और वी कैन से इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन विच आर यूज इन थर्मोडायनेमिक्स। सो फर्स्ट टर्म इज सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम रेफर टू द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। लाइक इफ वी टेक दिस कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, कोई भी हमने अगर लैब में हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसमें हमने केमिकल लिया, ठीक है, सो दिस कॉनिकल फ्लास्क इन विच सो द कॉनिकल फ्लास्क विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, दिस इज नेम्ड एज सिस्टम एंड द एरिया अराउंडिंग द कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, सिस्टम के आसपास का जो भी एरिया होगा दैट इज नेम्ड एज सराउंडिंग। ठीक, सो द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज नेम्ड एज सिस्टम एंड एवरीथिंग एल्स इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज नेम्ड एज सराउंडिंग। सो वी कैन से दैट यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। नाउ सिस्टम इज बेसिकली सब डिवाइडेड इंटू थ्री मेन कैटेगरी, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम या द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। लाइक इन ओपन सिस्टम वेयर वी कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग। ठीक है, अगर सिस्टम में मैटर और एनर्जी सराउंडिंग के साथ चेंज करने की टेंडेंसी है, देन दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नेम्ड एज ओपन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन एन ओपन बीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। और सिंपली अगर हम कप ऑफ टी लेंगे, ठीक है, हॉट कप ऑफ टी को हम थोड़े टाइम के लिए रखेंगे, ओपन है, तो थोड़े टाइम के बाद आप क्या देखोगे कि जो टी है, टी कूल हो गई है, डेट मीन जो उसका हीट थी और हीट के जो और ड्यू टू इवेपोरेशन कुछ ना कुछ जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हुए, सो दैट इज ओपन सिस्टम। नाउ क्लोज सिस्टम, अ सिस्टम इज सेड टू बी क्लोज्ड व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। ठीक है, अगर मैटर का एक्सचेंज नहीं है, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज है, दैट सिस्टम इज नेम्ड एज क्लोज सिस्टम।
नाउ अब अगर हम कप ऑफ टी को ऊपर से कवर कर दे तो उसमें सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा. नाउ देर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर. दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नेम्ड एज क्लोज सिस्टम. नाउ थर्ड सिस्टम इज आइसोलेटेड. आइसोलेटेड इन विच देर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर टेक्स प्लेस विद द सराउंडिंग. अगर किसी सिस्टम में ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है ना ही मैटर का एक्सचेंज, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ थर्मो फ्लास्क और इन एन इंसुलेटेड क्लोज वेसल, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. नाउ नेक्स्ट टर्म इज स्टेट ऑफ सिस्टम और स्टेट वेरिएबल. नाउ स्टेट ऑफ सिस्टम मीन्स अ कंडीशन ऑफ सिस्टम विच इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम एटसेट्रा ऑफ द सिस्टम. मीन्स अगर हम किस कोई भी सिस्टम स्टडी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सर्टेन टेम्परेचर, लाइक अगर हम कह रहे हैं कि इस टेम्परेचर पे इसकी कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, तो अगर हमने किसी भी प्रॉपर्टी पे सिस्टम को स्टडी किया, दैट इज नेम्ड एज स्टेट ऑफ सिस्टम. व्हेन वी दैट इज अ कंडीशन ऑफ सिस्टम. स्टेट ऑफ सिस्टम बेसिकली द कंडीशन ऑफ सिस्टम विच डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज. और वो प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, इट मे बी टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स एटसेट्रा. और ये जो प्रॉपर्टीज है ये चेंज होती जाएंगी. तो जैसे जैसे हम प्रॉपर्टी चेंज करेंगे कंडीशन भी हमारी चेंज हो जाएगी. डैट मीन जो स्टेट ऑफ सिस्टम है, स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज हो गया, तो ये जो सिस्टम जैसे जैसे चेंज होगा तो इन प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे स्टेट वेरिएबल. ठीक है, जिन प्रॉपर्टीज के कोरस्पोंडिंग हम सिस्टम की कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं वो प्रॉपर्टीज ऑब्जर्वेबल हैं और उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल. ठीक है, सिस्टम की कंडीशन हम कैलकुलेट करते हैं टर्म ऑफ टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम. सो द दिस प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम एटसेट्रा, ऑल दीज आर नेम्ड एज स्टेट वेरिएबल. इज इट क्लियर? और जैसे जैसे सिस्टम चेंज होगा तो जो फर्स्ट एंड लास्ट स्टेट ऑफ सिस्टम आर नेम्ड एज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट रिस्पेक्टिवली. एंड व्हाट इज स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन व्हेन द वैल्यू ऑफ सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड. अगर जो सिस्टम की वैल्यू है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इट डिपेंड ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, देन इट इज नेम्ड एज स्टेट फंक्शन. लाइक इंटरनल एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एक्सेट्रा. अब लाइक अगर कोई भी पर्सन है, अगर कोई पर्सन फिफ्थ फ्लोर पे है या फिफ्थ फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आता है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड फ्लोर पे फिक्स रहेगी. अब वो डिपेंड नहीं करता कि वो बाय लिफ्ट आया बाय स्टेयर्स आया, बट इट्स पोटेंशियल एनर्जी रिमेन फिक्स्ड. ठीक है, सो द वैल्यू विच डिपेंड ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, दैट इज स्टेट फंक्शन. और पाथ फंक्शन क्या होगा? नाउ एज अ नेम इंडिकेट द फंक्शन विच डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड. ठीक है, लाइक अगर अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि अगर कोई पर्सन फिफ्थ से ग्राउंड फ्लोर में बाय स्टेयर्स आ रहा है या बाय लिफ्ट आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उसकी जो लेग्स ने वर्क किया, वर्क डन बाय द लेग्स ऑफ द पर्सन इज डिफरेंट. स्टेयर से जब वो आएगा तो वर्क डन ज़्यादा होगा, लिफ्ट से जब आएगा लिफ्ट के केस में वर्क डन कम होगा. तो जो वर्क है, वर्क डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड. सो वर्क हीट एटसेट्रा दे आर पाथ फंक्शन. एंड फर्दर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम आर ऑफ टू टाइप, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. नाउ माइक्रो मीन स्मॉल. If a system containing only a few number of particle, that is microscopic system. Macroscopic system if a system contain large number of particles, and the property of macroscopic system are named as macroscopic property. तो thermodynamic जो आपकी quantities है, thermodynamic generally deal with the macroscopic properties, not microscopic property. Is it clear? So the property of system which arises from a bulk behavior of matter are named as macroscopic property, and thermodynamics deal with the macroscopic properties. And the important macroscopic properties are like temperature, pressure, volume, length, height, internal energy, etc. And macroscopic properties हमारी
कौन सी हो जाएंगी, जो एक सिंगल पार्टिकल की होगी या बहुत कम पार्टिकल से रिलेट करेंगी। एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ मैटर बट नॉट ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो नेचर पे डिपेंड करेगी, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एक्सेट्रा। लाइक अगर हमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है, अब वो हम 10 लीटर वाटर का ले या 100 लीटर वाटर का ले, बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज रिमेन सेम। बॉइलिंग पॉइंट आपका वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। सो इट डिपेंड अपॉन द नेचर कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन क्या है मॉलिक्यूल में, डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी। So these type of properties are named as intensive property and extensive. Opposite to that, it depend upon quantity, not nature. ठीक है, अगर property quantity पे depend कर रही है, nature पे depend नहीं करती, that is extensive property. For example, volume, internal energy, enthalpy etc. अब volume जितना ज़्यादा quantity हम beaker में लेंगे या vessel में लेंगे, volume उतना ज़्यादा increase करेगा. Is it clear? Now next is thermodynamic equilibrium. Now a system is said to have attained a state of thermodynamic equilibrium when it shows no further tendency to change its property with time. ठीक है, अगर जो भी हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं या कोई भी प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं, अगर उसमें टाइम के साथ फर्दर और कोई भी चेंज हमें नहीं मिल रहा, ठीक है, अगर टाइम के साथ प्रोसेस में या किसी भी रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स नाउ द सिस्टम अटेंड अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड द क्राइटेरिया ऑफ थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम रिक्वायर दैट द फॉलोइंग थ्री टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन द सिस्टम। लाइक द फर्स्ट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इन विच अ स्टेट इन विच द कंपोजिशन ऑफ सिस्टम रिमेन फिक्स्ड एंड डेफिनेट। केमिकल में हम जनरली कंपोजिशन स्टडी करेंगे, तो जब भी सिस्टम की कंपोजिशन फिक्स हो जाएगी, दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नेम्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, व्हेन नो केमिकल वर्क इज डन बिटवीन डिफरेंट पाथ ऑफ सिस्टम और बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, अगर कोई भी वर्क डन होना बंद हो गया है, दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हेन टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट और व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। नाउ व्हेन द थर्मोडाइनमिक सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, देन द ऑपरेशन इज नेम्ड एज अ प्रोसेस। एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस आर, अब अगर थर्मोडाइनमिक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होंगी, now that process is named as thermodynamic process. And thermodynamic process are of different type like isothermal process, isobaric, isochoric, adiabatic, cyclic process, reversible, irreversible process etc. Now first one is isothermal. Iso means same, thermal means temperature. Now the process that takes place at constant temperature. Constant temperature delta T become 0 but delta Q is not equal to 0. Isobaric bar represent pressure, so the process at which pressure remain constant, and for isobaric process change in pressure is equal to 0. Isochoric, choric means volume, so the process that takes place at constant volume, and for this process delta V become equal to 0. Adiabatic process which takes place at constant heat energy. Here no heat enter or leave from the system. So for this process, अब यहाँ पे heat exchange तो 0 है, तो delta Q is equal to 0. But for adiabatic process, temperature change is not equal to 0. Cyclic process, now it is a process that takes place in a cyclic manner. Here the system undergo a series of changes and finally return to its initial state. ठीक है, यहाँ पे जो सिस्टम है, सिस्टम चेंज शो करेगा और जैसे जैसे चेंज करेगा तो जो प्रोसेस है, प्रोसेस फर्दर फिर से अपनी इनिशियल स्टेट पे ही आ जाएगा।
सो फॉर दिस प्रोसेस इंटरनल एनर्जी चेंज इज जीरो एज वेल एज एंथैल्पी चेंज इज जीरो. अब ये जो वैल्यूज है ना हम जो चेंज की कर रहे हैं, लाइक फॉर आइसो साइक्लिक प्रोसेस एंथैल्पी चेंज जीरो होगी, आइसो थर्मल के लिए डेल्टा टी जीरो होगा, आइसोबैरिक के लिए डेल्टा पी जीरो. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल पोर्शन. नाउ नेक्स्ट इज रिवर्सिबल प्रोसेस. नाउ एवरी प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद टू टाइप ऑफ फोर्सेस, ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स. ठीक है, एक तो हम प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है, उसके उसी डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाएंगे, दैट इज ड्राइविंग फोर्स, और एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो खुद ही जो रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए फोर्स लगेगी, दैट इज अपोजिंग फोर्स. नाउ ड्राइविंग फोर्स फेवर द प्रोसेस व्हाइल अपोजिंग फोर्स अपोज द प्रोसेस. नाउ इफ द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स आर डिफरेंट डिफर बाय इनफाइनाइट सेमिली स्मॉल क्वांटिटी. ठीक है, अगर ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स में बहुत ज्यादा स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज का डिफरेंस है, देन द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन. ठीक है, उस केस में जो प्रोसेस है वो दोनों ही डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, एंड दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नेम्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस. और वी कैन से दैट रिवर्सिबल प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस. ठीक है, एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. नाउ व्हेन द प्रोसेस अकर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट इन अ सिंगल स्टेप इन फाइनाइट टाइम. अगर जो प्रोसेस है वो अपनी जो फाइनल स्टेट पे एक ही स्टेप में प्रोसीड कर लिया और उसके लिए टाइम लिमिट भी आपका फिक्स्ड है, दैट कैन नॉट बी रिवर्स, देन इट इज टर्म्ड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस. एंड अमाउंट ऑफ एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेज इन केस ऑफ irreversible process. Irreversible processes are generally spontaneous in nature and all the natural processes are irreversible process. Means they occur in finite state. Means the reversible process occur in finite time and irreversible process is extremely slow, so it occurring in finite time. In finite time का मतलब है वो कभी भी complete 100% complete ही नहीं होगा. जब हम रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं तो रिएक्शन जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोडक्ट फर्दर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता जाएगा. तो रिएक्शन यहाँ पे रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम में रहेगी. इज इट क्लियर? सो दीज आर सम बेसिक टर्म एंड कंसेप्ट विच आर यूज इन थर्मोडाइनमिक. तो जो नेक्स्ट फर्दर जो इम्पोर्टेंट थर्मोडाइनमिक क्वांटिटीज है लाइक इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क, वो हम सारा अपने नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे. इज इट क्लियर? सो नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.